हाउ टू मेक प्रोफेशनल यूट्यूब लोगो, यूट्यूब चैनल का लोगो कैसे बनाएं। गाइस, आप अपने मोबाइल फोन की मदद से यूट्यूब चैनल का लोगो बहुत ही इजी और सिंपल एडिटिंग के साथ क्रिएट कर सकते हो। बस इसके लिए आपको एक छोटे से एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम पिक्सल लैब है। इसे आप इजीली प्ले स्टोर से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। गाइस, इसके बाद आपको ऊपर में थ्री डॉट दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको इमेज साइज दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको इसके अंदर प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे न्यू टेक्स्ट दिख रहा है, इसके ऊपर डबल टैप करेंगे और इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देंगे दोस्तों। इसके बाद अपने चैनल का फर्स्ट लेटर यहाँ पे टाइप करेंगे कैपिटल में। इसके बाद डन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसको यहाँ से बड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे बड़ा करके। इसके बाद दोस्तों आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और इसके बाद आपको यहाँ पे एक ए बी फॉन्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको माय फॉन्ट पे जाना है। इसके बाद दोस्तों आपको ये फॉन्ट ऐड कर लेंगे। ये फॉन्ट दोस्तों आपको पिक्सल ऐप में नहीं मिलेगा, इसको आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा दोस्तों, आप यहां से डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों इसको यहां पे एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद गाइस, आपको इसके अंदर एक कॉपी का ऑप्शन दिखेगा, इसको कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे गाइस। इसके बाद गाइस, आपको सेकेंड टैक्स वाले पे डबल टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप अपने चैनल का सेकेंड लेटर टाइप कर देंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इन दोनों को यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे सेट सही से। इसके बाद दोस्तों देखिए, आपका इस तरीके से बन जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपको एक टेक्सचर का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आपके फ़ोन में आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी दोस्तों। इसके बाद आपको यहाँ पे एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेंगे, जो जिस फ़ोटो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं और इसको इनेबल कर देंगे मेंशन रेडियो को। इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों इसके बाद आपको सेकंड वाले को भी यही करना है। आपको टेक्सचर का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपके गैलरी ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट कर लेंगे, रेड पीएनजी। इसके बाद इसको भी टेक्सचर को यहाँ पे इनेबल कर देंगे। इसमें मटेरियल यूज करूँगा लोगो बनाने के लिए, वो सब आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद टैक्स पे जाएंगे। इसके बाद आपको न्यू टैक्स यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद न्यू टैक्स पे डबल टैप करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने चैनल का फुल नेम इंटर कर लेंगे दोस्तों। अपने चैनल का फुल नेम इंटर करने के बाद डन पे क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। और इसके बाद आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे इसको। इसके बाद दोस्तों आपको ये वाले ऑप्शन में आपको एक फ़ोन्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। माय फ़ोन्ट पे जाएंगे, आपको यही फ़ोन्ट सेलेक्ट कर लेंगे जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया था। इसके बाद आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों फ़ोन्ट ऐड करने के बाद आपको इसके अंदर कलर ऐड करेंगे। तो कलर आप अपने मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं, मैंने येलो सेलेक्ट कर लिया दोस्तों। इसके बाद टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको एक बॉक्स का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक आपको आइकन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इन तीनों बॉक्स को टिक कर देंगे। इसके बाद आपको इसको ओके कर देंगे, इसको आपको तीनों को मर्ज कर लेंगे दोस्तों इस इतना काम करने के बाद आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करेंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको एक सर्कल टाइप का लोगो गोल सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी मटेरियल मैं यूज करूँगा दोस्तों आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सब मटेरियल। तो इसके बाद इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। इसको एडजस्ट करने के बाद डब्बे वाले पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से लोगो गोल सर्कल को नीचे खींच के करेंगे नीचे, और इसके बाद सर्कल को लॉक कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इनको एडजस्ट कर लेंगे इन सबको। देखिए दोस्तों, एडजस्ट करने के बाद इसको यहाँ से दोनों को लॉक कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे लोगो कंप्लीट हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपको चौथे वाले आइकन पे क्लिक करेंगे नीचे।
एक ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये लोगो आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा पीएनजी फॉर्मेट में। इसके बाद दोस्तों इसको सेव्ड कर लेंगे अपने गैलरी में, तो ऊपर एक सेव का ऑप्शन दिखेगा, इसके बाद सेव एज इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ को आपको यहाँ पे सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों आप इसी प्रकार से अपने चैनल का लोगो बना सकते हैं YouTube। तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, और हमारे चैनल पे दोस्तों सपोर्ट करिए, थोड़ा सा हमारे चैनल पे व्यूज डाउन चल रहा है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं कुछ नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तो